मोक्ष नगरी काशी यानी वाराणसी धर्म, अध्यात्म, साहित्य और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी विख्यात है। इसी काशी की धरती पर साहित्य जगत की कई महान विभूतियों ने जन्म लिया है। उन महान साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध तो किया ही, साथ ही उसे एक नया फलक भी दिया है। हिंदी के साहित्यकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सर्वोपरि है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी कालजयी लेखनी से समाज के हर वर्ग के मर्म को समझते हुए लिखा है, चाहे वो निबंध हो, कविता हो या नाटक हो। उनके हर शब्द में, रचना में समाज का प्रतिबिंब नजर आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के प्रणेता थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। भारतेंदु की उपाधि 1880 में काशी के विद्वानों ने उन्हें दी थी। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु जी ने समाज के चित्रण को ही अपने साहित्य का मूल विषय बनाया। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे हिंदी साहित्य के जो छात्र हैं, अध्यापक हैं, जिज्ञासु हैं, उनके लिए तो एक युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। साहित्य में आधुनिकता का समावेश, भाषा में आधुनिकता का समावेश, हिंदी को नई चाल में ढालने वाले बड़े रचनाकार, एक तरीके से मनीषी रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। लेकिन इसके परे भी उनका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वे केवल साहित्य के नहीं बल्कि हमारे समाज के, हमारे इतिहास के, हमारी राष्ट्रीय चेतना के, हमारे देश में राष्ट्रीयता का, राष्ट्रीय आंदोलन का मंत्र फूंकने वाले, नवजागरण आंदोलन के बहुत प्रमुख सूत्रधार करके हिंदी पट्टी में वो सबसे बड़े सूत्रधार के रूप में हैं, तो उनका महत्व इससे परे भी है। भारतेंदु जी जहाँ निवास करते थे वो भवन भी उनकी रचनाओं का अक्ष स्वरूप अनुभव देता है। भारतेंदु भवन वाराणसी के व्यस्त क्षेत्र में स्थित है। उस समय की शानदार कोठी भारतेंदु भवन चौक से चौखंभा जाने वाली ठठेरी बाजार की गली में पूरे वैभव के साथ आज भी मौजूद है। शुक्ल जी ने अपने लेख प्रेमगन जी की छाया स्मृति में बड़े आदर और श्रद्धा से भारतेंदु जी के भवन का उल्लेख किया है। जब उनकी उम्र लगभग 8 या 9 वर्ष थी, उस समय वो किसी वैवाहिक कार्यक्रम में उनके पिता ने किसी के साथ चंदबली शुक्ल जी ने यहाँ बनारस उन्हें भेजा था। लेकिन उनका इतना आदर भाव था भारतेंदु जी के प्रति कि उनकी वो पहुँच गए चौखंभा उस भवन को देखने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने जब पूछा और उसी भवन के सामने वो खड़े होके उन्होंने उस उल्लेख भी किया है अपने इस निबंध में कि मेरी कितनी उत्सुकता और चाहत रही होगी उस भवन के प्रति। मैं उसको टकटकी लगाए देख रहा था और तभी उस भवन से निकलते हुए मुझे केदारनाथ पाठक दिखाई दिए, जिनका पुस्तकालय मिर्ज़ापुर में है था मतलब उस समय, और वो शुक्ल जी वहाँ पर अब कुछ पुस्तकें पढ़ने जाया करते थे। तो केदारनाथ पाठक ने उनको देखा था, फिर उन्होंने शुक्ल जी को बुलाया और उस भवन से पूरा उनका परिचय कराया, और वहीं से केदारनाथ पाठक और शुक्ल जी की आत्मीयता जो है वो घनिष्ठ होती गई। इस भारतेंदु भवन की भव्यता बनावट का उल्लेख जेम्स प्रिंसेप ने रचित अपने पुस्तक में भी सचित्र किया है। भवन के आकार प्रकार का विश्लेषण भी इस पुस्तक में किया गया है। भारतेंदु भवन का निर्माण पत्थरों से किया गया है। भवन में कुल 25 कमरे हैं, बीचों बीच एक आंगन है। प्राचीन भवन निर्माण कला का दर्शन कराता ये भारतेंदु भवन यहाँ बार बार आने को आकर्षित करता है।
वे परले दर्जे के भक्त थे और एक तरीके से इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो ऊंचे दर्जे का भक्त होता है वही देश का भी भक्त हो सकता है। भक्ति आदमी के मन को, अंतःकरण को उदात्त बनाती है, मृत्यु से निर्भय बनाती है, बड़े उद्देश्यों के लिए प्राण समर्पित करने के लिए सचेत करती है, प्रेरणा देती है। तो भक्ति भावना जो कि 100 साल पहले हिंदी साहित्य में एक तरीके से दब गई थी, उस भक्ति भावना का नवोन्मेष करते हुए भारतेंदु ने राष्ट्रीयता का शंखनाद किया, राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि निर्मित की, समाज के सुधार की पृष्ठभूमि निर्मित की, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यह उनकी एक प्रमुख रचना थी जो प्रारंभ में आई। निज भाषा उन्नति अह का मंत्र उन्होंने दिया जो भारत की सर्वांगीण उन्नति का एक आधार बन सकता है। एक महान व्यक्तित्व भारत बनारस के थे, यह काशी का गौरव है। कबीर, रैदास, तुलसी, इनकी परंपरा में एक बड़ा नाम अगर हम ले सकते हैं तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भवन लेखनी के पुरोधा के संस्मरण को बयां करता प्रतीत होता है। जैसे भवन में प्रवेश करते ही भारतेंदु जी के जीवंत होने का आभास होता है। उनसे जुड़ी चीजों का दर्शन मात्र ही उनके मिलने जैसा है। हिंदी खड़ी बोली के साहित्यकार के स्मृतियों को संजोता ये भवन उनकी जीवनी कह रहा है। तब के और अब के समय काल से गुजरता ये भारतेंदु भवन मान्यताओं और परंपराओं से बंधा हुआ है। कमरा भी पूरे भारतेंदु परिवार की पीढ़ियों का दर्शन कराता है। दीवारों पर लगे फोटो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशावली का बोध कराते हैं। परिवार द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को ज्यों का त्यों इस कमरे में रखा गया है। भारतेंदु भवन में रह रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र की 5वीं पीढ़ी के दीपेश चंद्र चौधरी और उनके परिवार ने समय काल के अनुसार भवन में कुछ सामान्य और आवश्यक बदलाव जरूर किए, लेकिन भवन के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया। भवन के खंभे, आर्च और दरवाजे अपने मूल स्वरूप में दिखते हैं। ये भवन जिसे भारतेंदु भवन के नाम से जाना जाता है, नागरी पिछाड़नी सभा ने इस भवन का नामकरण 1932 में भारतेंदु भवन के नाम से किया। ये भवन ऐसे तो भारतेंदु बाबू के परदादा बाबू फतेह चंद ने 1760 के आसपास लिया था या बनवाया था, जैसा इसका बहुत हम लोग के पास विशेष नहीं है, लेकिन हम लोग के पूरे परिवार की यही कोशिश है ये भवन अपने मूल रूप में वैसे ही संरक्षित रहे। थोड़ा बहुत बदलाव हम लोग करते रहते हैं समय अनुसार, लेकिन पूरा जो मूल रूप है उसमें मूल स्वरूप में कोई बदलाव अभी तक तो ठाकुर जी की कृपा से नहीं करने की आवश्यकता पड़ी है। भारतेंदु भवन में पुराने और भव्य दरवाजे से प्रवेश करते ही सामने दालान में रखी पालकी और तामझाम का दर्शन होता है। इस पालकी को सहेज कर रखा गया है। परंपरा है कि आज भी चौधरी परिवार में कोई दुल्हन आती है तो इसी पालकी में बैठकर आती है। पास ही रखा तामझाम भी बड़ा आकर्षक है। कहा जाता है कि इसी में बैठकर भारतेंदु जी शहर बनारस की सैर करते थे। लोग कहते भी थे कि भारतेंदु जी का बड़ा तामझाम है। पालकी और तामझाम आगंतुक दर्शकों का मन मोह लेते हैं। ड्योढ़ी में जो आपने पालकी देखी, वो पालकी में उनकी माँ 1843 में बाबू गोपाल चंद से शादी होकर उनकी माँ पार्वती देवी आई थी और तभी से वो पालकी यहाँ पे रखी है। और अभी भी जो नई बहू हम लोग के यहाँ आती है वो उसी में पालकी में आती है। ये सोच शायद ये है कि शायद फिर कोई भारतेंदु उसमें आ जाए। दूसरा आपने देखा तामझाम रखा है। तामझाम आदमियों के लिए होता है, पालकी आदमी औरत और आदमी दोनों के लिए होता है, लेकिन तामझाम सिर्फ पुरुषों के लिए होता है। जैसे कहा जाता है बड़े तामझाम से आए तो उसी पे बैठ के आए। भारतेंदु भवन में उनके हस्तलिखित पत्रों को बड़े ही सलीके से सुरक्षित रखा गया है। इन पत्रों को देखने और उसके शाब्दिक अर्थ को आत्मसात करने लोग यहाँ आते रहते हैं। भवन में भारतेंदु परिवार की लगभग 200 वर्ष पुरानी कई वस्तुएं संरक्षित रखी गई हैं। इनमें पेन होल्डर, टोपी रखने वाला स्टैंड, इत्रदान,
पानी को गर्म करने वाला बर्तन सब कुछ अपने समय कालखंड को बयां करता प्रतीत होता है। भारतेंदु बाबू का जो परिवार है शुरू से ही लोक संस्कृति का पोषक रहा है। उनके दादा बाबू हरकचंद यहाँ पे एक बड़ा भारी उत्सव बुढ़वा मंगल, होली के बाद जो पहला मंगल पड़ता है उसमें एक सांस्कृतिक कार्यक्रम गंगा घाट पे 3 दिन का करते थे। उसमें सब बड़े बड़े लोगों की नावें सजती थी जिसे कच्छा कहा जाता था, ऐसा कहे कच्छा पाटा जाता था, और हर शहर का जो रईस होता था उसकी एक कच्छा रहता था। भारतेंदु बाबू का कच्छा हमेशा सबसे सुंदर सस्ता था और ज़्यादातर लोग उसी कच्छे पे आके और सबको सुनते थे। उसमें जो गायिकाएँ रहती थीं वो सब बाहर से आती थीं, और शहर की भी लोग जो है रहते थे जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, और उनको उस पे गाना सुनने का और सुनाने का मौका दिया जाता था और मिलता था। भारतेंदु भवन के आंगन में ऊपर प्रथम तल पर एक दीप स्टैंड भी है। इस 49 दीपों वाले स्टैंड को भी संरक्षित रखा गया है। इस स्टैंड पर 30 त्योहार पर दीप जलाए जाते हैं। 49 दीपों वाला एक दियट है, इसे कहा तो हजारा जाता है लेकिन इसमें एक बार में 49 दिए रख के जलाए जाते हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा विरासती हम लोग के यहाँ, तो दिवाली के समय इन दीयों को प्रज्वलित करके बड़ा ही सुंदर ठाकुर जी के सम्मुख जलाया जाता है, और उस समय बड़ा ही सुंदर दर्शन भी ठाकुर जी का होता है। भवन में ऊपर की ओर प्रथम तल पर ही एक मंदिर है जिसमें पूजा नित्य की जाती है। गिरधर जी महाराज जी की चरण पादुका विराजती है, और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे श्री ठाकुर जी मदन मोहन लाल जी, स्वामी जी, बड़े लाला जी, छोटे लाला जी और गिरिराज जी और श्रीनाथ जी के वस्त्र शालिग्राम की सेवा होती है, जिसमें मंगला, राजभोग, संध्या और शयन चारों सेवा होती है। और श्री हमारे गुरु श्री वर्तमान में श्री श्याम मनोहर महाराज जी की कृपा है जो चल रही है। लगभग 250 वर्ष प्राचीन भारतेंदु भवन एक अनमोल धरोहर है। भवन की प्राचीनता एक समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करती है।